तो कभी कभी क्या होता है, कोई सा पर्सन मर जाता है, हमारा कोई रिलेटिव मरते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मैंने पर्सन डाइव से ही हैज पास्ड अवे, हु हैज पास्ड अवे, द बॉडी स्टिल देयर, एक्चुअल द सोल हैज पास्ड अवे, हम कहते हैं ना पिताजी चले गए, माँ चली गई, ग्रैंडफादर चला गए, गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया, क्यों, सब तो उधर ही है, ऐसा क्यों चला गया बोलते हैं, जाने और अनजाने हम जानते हैं कि शरीर के भीतर कुछ है, वो चला गया है, इसलिए हमारा शास्त्र क्या कहता है, यावत निवसति पवनम देह तावत पृच्छति कुशलम गेह गतवती वायु देहे पाए भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काय। इस प्रकार कहा जाता है, यावत निवसति पवनम देह, जब तक शरीर में जीवन है तब तक भार्या अपने हस्बैंड का कुशल मंगल पूछती है और हस्बैंड अपने भार्या का कुशल मंगल पूछता है। गतवती वायु देहे काय, जो शरीर से वायु चला जाता है, जीवन चला जाता है, भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काय, भार्य और स्त्री अपने हस्बैंड का शरीर को देख के भयभीत हो जाता है, गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड का शरीर को देख के भागती है, क्यों ऐसा, पहले तो कुछ कुछ होता था, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, पहले जो अर्गन था, जिस अर्गन के प्रति अट्रैक्टिव थे आप, वही अर्गन अभी भी है, वही आंख है, वही गाल है, वही ओंठ है, वही बॉडीली पार्ट है, अभी अट्रैक्शन क्यों नहीं, पहले टच करने के लिए जाते थे तो कोई रोकता था, आपको लगता है टच करने के लिए नहीं दे रहा है, अभी तो पूरा खुला है ना, कितना टच करना है करो, बट कोई टच नहीं करना चाहते, बोलते इसको फेंक दो, दफना दो, जला दो, क्यों, जो अट्रैक्टिव आंख है, जो अट्रैक्टिव ऑर्गन से सामने है आपके पास, लेकिन अभी वो क्या है, उसमें कुछ अट्रैक्शन है ही नहीं, ये प्रमाण करता है कि इन रियलिटी द बॉडी इज नॉट अट्रैक्टिव, द लाइफ इज अट्रैक्टिव, लाइफ एग्जैक्टली क्रिएट्स अट्रैक्शन इन द बॉडी, ओरिजिनल अट्रैक्टिव पार्ट इज लाइफ, वो लाइफ जब चला जाता है बॉडी आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं रहता है, तो जब लाइफ चला जाता है आपके लिए जनरली बॉडी अट्रैक्टिव नहीं रहता है, और जाने और अनजाने हम जानते हैं, इसलिए बोलते हैं पिताजी चले गए, माँ चली गई, इस प्रकार हम कहते हैं, और बॉलीवुड हॉलीवुड उसको ठीक से जानते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में जितने भी गाना है आप देखेंगे वो क्या कहते हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल चाहता है, दिल से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्यों ऐसा बोलते हैं, कभी मुझे दिल से क्यों बोलते हैं, दिल तो पागल है क्यों बोलते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड ऐसे भी बोल सकते हैं ना, दिमाग तो पागल है, क्यों नहीं दिमाग तो पागल बोलते हैं, दिल चुरा लिया बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, किडनी चुरा लिया, किडनी चुरा लिया क्यों नहीं बोल रहे, दिल चुरा लिया क्यों कह रहे, क्यों, बॉलीवुड और हॉलीवुड को भी पता चलता है ये दिल जो है ना हृदय में व्यक्ति रहता है, आत्मा रहता है, इसीलिए वो लोग को पता है कि एग्जैक्टली दिल चुरा लिया मतलब आप जो भीतर है मुझे चुरा लिया, इट्स लाइक दैट, जो आई लव यू कहा जाता है, बॉलीवुड हॉलीवुड में देखेंगे या पिक्चर फोटो में देखें आई लव यू, तो दिल का फोटो रहता है और उसमें तीर जाता है और तीर से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है कि नहीं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये दिल का फोटो क्यों रखते हैं, दिमाग का फोटो रख के तीर मारने का, उसमें ब्लड निकालने का होता था ना, क्यों ऐसा है, क्यों, उनको पता है कि दिल में आत्मा निवास करता है, इसीलिए इस प्रकार की टर्म वो लोग यूज करते हैं, और हम जब कहते हैं आई लव यू कहाँ पे दिखाते हैं, दिल को दिखाते हैं, इसे आई लव यू पैर को दिखा के नहीं बोलते या दिमाग को दिखा के ऐसे नहीं बोलते, आई लव यू जनरली क्या है, फोकस टू दिल, हार्ट को, क्यों, क्योंकि हार्ट में जीवन रहता है अकॉर्डिंग टू शास्त्र ऑल्सो, और भगवान कहते हैं सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टो, सबका हृदय में मैं निवास करता हूँ, तो आत्मा और परमात्मा दोनों हार्ट में है, तो ये बॉलीवुड हॉलीवुड भी जानता है, तो कहने का अर्थ है कि जब आत्मा चला जाता है ये शरीर अट्रैक्टिव नहीं रहता है, शरीर आपके लिए क्या हो जाता है, एक व्यर्थ वस्तु हो जाता है, एक निरर्थक वस्तु हो जाता है, एक यूजलेस मटेरियल हो जाता है, पहले जो यूजफुल था
पहले जो ब्लिसफुल था अभी आपके लिए क्या है, पेनफुल है, यूजलेस है। तो बॉडी यूजलेस बन जाता है, पेनफुल बन जाता है जब आत्मा शरीर से निकल जाता है। तो जाने और अनजाने, बॉलीवुड वाले भी जानते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, पर जाने और अनजाने हम भी जानते हैं। हम कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे वो अलग बात है, बट लॉजिकली आप सोचेंगे कि हम शरीर से अलग है, कुछ सुपीरियर है, एंड वी आर नॉट दिस बॉडी बट द स्पिरिट सोल।